बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन रही डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ प्रोफेसर अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड नाइन टुडे आर टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन लास्ट लेक्चर्स में हमने फैक्टराइजेशन की फर्स्ट फोर टाइप्स पढ़ी थी आज हम फिफ्थ टाइप से स्टार्ट करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं टाइप फाइव फैक्टराइजेशन की है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अब इस एक्सप्रेशन पे गौर करें तो प्लस माइनस दो साइन क्यों लगाए गए हैं क्योंकि जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो ए प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है ए माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है दोनों फॉर्म्स में फर्स्ट थ्री टर्म्स ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगी और माइनस सी स्क्वायर जो है लास्ट टर्म वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी हमें मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे कभी भी या ए प्लस बी आएगा या ए माइनस बी आएगा और ये जो सी स्क्वायर है इसको हम सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अब जब फर्स्ट थ्री टर्म्स मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया और लास्ट टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वी हैव अ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू जो है वो ए प्लस बी या ए माइनस बी होगी और बी की वैल्यू सी होगी अब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं तो ये एक्सप्रेशन दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस माइनस बी माइनस सी अब इसी टाइप को हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है इस एक्सप्रेशन में वाजे पता चल रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स मिलके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकती जो हमने अभी जनरल फॉर्म इसकी डिस्कस की थी उसमें फर्स्ट थ्री टर्म्स एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था माइनस लास्ट टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर था लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट थ्री टर्म्स एक परफेक्ट स्क्वायर बने यहां पे इस एक्सप्रेशन में अगर हम गौर करें तो फर्स्ट टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है और जो लास्ट थ्री टर्म्स हैं वो मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी लिहाजा इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे लास्ट थ्री टर्म्स में से माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस कॉमन लेने से इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे अब ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया सिक्स वाई भी पॉजिटिव हो गया और नाइन भी पॉजिटिव हो गया नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगी और जो लास्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे और जो लास्ट टर्म नाइन है दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ थ्री तो इसको हमने थ्री का होल स्क्वायर लिखा और जो मिडल टर्म है वो टू ए बी बनेगी ये टू फॉर्मूले का लिखा ए की वैल्यू वाई और बी की वैल्यू थ्री लिखी अब इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये टू थ्रीज आर सिक्स वाई आ गया वाई स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर नाइन अब ये जो थ्री टर्म्स हैं ये मिलके बन गया y प्लस थ्री का होल स्क्वायर तो a की वैल्यू यहां पे x आ गई और b की वैल्यू y प्लस थ्री आ गई ये मैं आपको समझाने के लिए यहां पे इसको a और इसको b लिख देता हूं अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है इसलिए इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस थ्री और नेक्स्ट टर्म में इस ब्रैकेट से पहले चूंकि माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों साइंस नेगेटिव हो गए तो ये दो फैक्टर्स बन गए इस एक्सप्रेशन के एक्स प्लस वाई प्लस थ्री एंड एक्स माइनस वाई माइनस थ्री अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फोर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में टोटल टर्म्स चार थी यहां पे अगर आप गौर करें तो टोटल टर्म्स फाइव हैं अब फाइव टर्म्स में दो लाइक like टर्म्स नहीं है कि हम इनको फोर टर्म्स में रिड्यूस कर दें लेकिन फाइव टर्म्स को हम सिक्स टर्म्स में एक्सटेंड कर सकते हैं वो किस तरह करेंगे कि ये जो लास्ट में वैल्यू थ्री लिखी हुई है इस थ्री को हम फोर माइनस वन लिख सकते हैं अब इसको फोर माइनस वन ही क्यों लिखेंगे इसको हम फाइव माइनस टू भी लिख सकते हैं आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि वाई फोर माइनस वन वाई नॉट फाइव माइनस टू तो इसका बेहतरीन सोचने का तरीका यह है कि हमने अभी स्टार्ट में ये पढ़ा है कि परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है तो थ्री को हमने दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करने के वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हों। तो फोर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और वन भी एक परफेक्ट स्क्वायर है इस तरह हमें स्क्वायर बनाने में आसानी होगी तो अब इसमें सबसे पहले हमने इस थ्री को फोर माइनस वन लिखा बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज लिखी हैं। अब इन पे गौर कर हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस फोर एक्स प्लस फोर इनको तीनों को इकट्ठा लिखें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इसी तरह माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई और माइनस वन इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा लिखें और माइनस कॉमन ले लें तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा सबसे पहले हमने जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकती थी उन टर्म्स को इकट्ठा लिखा उसके बाद इन लास्ट थ्री टर्म्स में से हमने माइनस कॉमन ले लिया अब ये माइनस कॉमन लेने से ये तमाम टर्म्स के साइन पॉजिटिव हो गए अब जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर इसको हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और लास्ट टर्म फोर है फोर को हम टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास टू आ गई अब माइनस टू ए बी ए की जगह एक्स बी की जगह टू तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू ये फोर एक्स बन गया और टू का स्क्वायर ये फोर बन गया इसी तरह अगली थ्री टर्म्स पे चले वाई स्क्वायर को वाई का होल स्क्वायर लिखा और लास्ट टर्म वन है वन को वन का स्क्वायर लिखा टू फॉर्मूले का ए वाई और बी वन अब टू इंटू वाई इंटू वन इनको मल्टीप्लाई करें तो टू वाई आ जाता है तो इस तरह से ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया अब यहां पे ए एक्स है बी टू है और टू ए बी के साथ साइन चूके माइनस का है इसलिए हम इसको लिखेंगे x माइनस टू का होल स्क्वायर और नेक्स्ट में ए वाई है और बी वन है तो इसको हम लिखेंगे y प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये वैल्यू हमारे पास a आ गई और ये वैल्यू b हो गई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे जिस ब्रैकेट से पहले साइन प्लस है उसके साइन चेंज नहीं होंगे जिस ब्रैकेट से पहले साइन नेगेटिव है उसके साइन चेंज हो जाएंगे तो यहां प्लस था इसके साइन चेंज नहीं हुए एक्स माइनस टू प्लस वाई प्लस वन नेक्स्ट दो ब्रैकेट्स में साइन माइनस का है तो जिस ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का है उसके साइन चेंज कर दिए एक्स माइनस टू माइनस वाई माइनस वन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस वन लाइक टर्म्स हैं ये माइनस वन आ गया फिर इसी तरह एक्स माइनस वाई माइनस टू माइनस वन लाइक टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा So, x प्लस वाई माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस फोर एक्स जी प्लस फोर जी स्क्वेयर अब ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है यहां पे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास टोटल फोर टर्म्स हैं अब हमने ये चेक करना है कि किन टर्म्स से ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है और कौन सी टर्म लास्ट में लिखें वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो इन टर्म्स पे जरा गौर करें एक्स स्क्वायर के साथ फोर एक्स जी को मिलाएंगे और प्लस फोर जी स्क्वायर को साथ लिखेंगे तो इससे हमारा स्क्वायर ए प्लस बी या ए माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स जी प्लस फोर जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं एक्स का होल स्क्वायर फोर जी स्क्वायर टू जी का होल स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई एक्स और बी की वैल्यू आ गई टू जी अब मिडल टर्म देखे माइनस टू ए बी टू फॉर्मूले का लिखा ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू टू जी है अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो टू टू आर फोर एक्स जी ये मिडल टर्म आ गई हमारे पास जो लास्ट टर्म है दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वाई अब ये एक्स माइनस टू जी का होल स्क्वायर बन गया माइनस वाई का होल स्क्वायर तो अब यहां पे हमारे पास ये वैल्यू ए बन गई और ये वैल्यू बी बन गई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे ए प्लस बी एक्स माइनस टू जी प्लस वाई ए माइनस बी एक्स माइनस टू जी माइनस वाई दिस विल बी द फाइनल आंसर आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज